नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको आलू का क्रिस्पी, स्पाइसी और बिना ओवन में फ्रेंच फ्राई कैसे बनाते हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। हमने लेना है 3 आलू और ये 3 आलू को हमने छीलना है। बाहर का पतला पतला छिलका छीलना है। बाहर का पतला छिलका छिल के इनको अच्छे से धो लेना। अच्छे से धोने के बाद इसको हम करेंगे कट। कट करने के लिए बीच से 2 स्लाइस में डिवाइड करेंगे। 2 स्लाइस में डिवाइड करने के बाद हम इसका फिक्स साइज में कट करेंगे। फिक्स साइज इसको बनाएंगे, 2-3 स्लाइस बनाएंगे इसका। 2-3 स्लाइस बनाने के बाद हम तिरछा करके इसको फ्रेंच फ्राइज के साइज में हम इसको कट करेंगे। जितना टेढ़ा मेढ़ा कट होगा उतना टेस्टी होता है दोस्तों। अब इसका फिक्स साइज आप देख सकते हैं, इतने साइज में कट करना है। आलू सभी हो गया है कटिंग। हमने पानी रखा हुआ था गरम के लिए, हमारा पानी हो गया गरम। हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू। हमको बनाना है टेस्टी और क्रिस्पी स्पाइसी, इसलिए इसके अंदर हमने डाला था नमक। और इस आलू के अंदर तक जाना है, नमक को अंदर तक जाने के लिए हमको अच्छे से इसको पकाना है। अब हम इसको हिलाएंगे अच्छे से। हिलाने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब हो गया है हमारा आलू फ्रेंच फ्राई के लिए जो बनाए थे, हमारा हो गया है। हम इसको निकालेंगे एक बाउल में, इसको निकालेंगे। ज़्यादा हिलाना नहीं तो टूट जाता है, टूट जाएंगे। आप बोलेंगे बाद में हमारा तो पूरा टूट गया है। इसको थोड़ा क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम इसको सुखाने के लिए डाल देंगे। टिश्यू पेपर से भी पूछ सकते हैं, सुखा भी सकते हैं। हमने इसके ऊपर से डाला है कॉर्नफ्लोर। हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसको करेंगे हम मिक्स। अभी हम मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। मिक्स करके पूरा चारों तरफ लगना चाहिए। इसको करेंगे हम हाफ फ्राई। इसमें जो पानी होता है उसको निकालना होता है फर्स्ट 15 मिनट के लिए। आप इसको फ्रिज में भी डाल सकते हैं निकल के। फ्रिज है तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो इसको हम बाहर रख देंगे 15 मिनट के लिए। बाहर क्यों रखेंगे? इसको हमने करना है क्रिस्पी। हमारा क्रिस्पी बनाना है। क्रिस्पी बनाने के लिए हम एक बार फ्राई करके फिर दोबारा फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। 15 मिनट के बाद हमने दोबारा डाला है। अभी देखना हमारा कितना क्रिस्पी और लुक देखना है इसका, कितना ब्राउन ब्राउन जैसा दिखाई दे रहा है। देखो इसका ब्राउन ब्राउन कैसा है। देखो अभी देखो कितना क्रिस्पी और ब्राउन ब्राउन है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे नमक, मिर्च और इसके ऊपर से हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। और आप धनिया भी कट करके, धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखो सॉस के साथ कितना अच्छा है, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट।